जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में कावड़ यात्रा की तैयारी को देखते हुए एसपी सिटी मनोज कत्याल ने एसएसपी कार्यालय में पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की। आयोजित बैठक में एसपी सिटी मनोज कत्याल ने सीपीयू और वरिष्ठ अधिकारियों को कावड़ यात्रा से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद सीपीयू की टीम ने काशीपुर रोड पर कार्यवाही करते हुए सर्विस लेन को खाली कराया और सर्विस लेन को अतिक्रमणकारियों मुक्त कराया। इसके तहत ही एसपी सिटी ने बताया कि आने वाले समय में फुटपाथ खाली करने की तैयारी की जा रही है, जल्द ही उसका प्लान जारी कर दिया जाएगा और किसी भी तरह से फुटपाथ पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। आगामी जो सर्दी की कावड़ है उसको दृष्टिगत हम लोगों ने इसमें कार्रवाई की है। बेसिकली हमारा पर्पज जो है वो सर्विस लेन्स को हम लोग अतिक्रमण से मुक्त करा रहे हैं ताकि जो हमारे जो शिवभक्त आएंगे उनको हम उस सर्विस लेन में उनको वहां से हम लोग गुजार सकें। और इसके अलावा बाकी भी हम लोगों ने रिव्यू मीटिंग की है, कुछ हमारा प्लान भी रहेगा इसमें जो कि हम जल्दी शेयर करेंगे मीडिया में भी। और उसी के दृष्टिगत एक बैठक की गई थी टीआई और सीपीयू इंचार्ज के साथ और हम लोग बाकी भी पॉइंट्स जो पिछली बार हम लोगों को आवश्यकताएं महसूस हुई थी उसके हिसाब से हम लोग अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती करेंगे। जो भी आवश्यक आदेश होंगे इसके संबंध में वो भी हम शीघ्र निर्गत करेंगे। तो उसी को लेकर के अभियान चल रहा है और ये भी लगातार चलता रहेगा।